अब 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करके ही स्टूडेंट्स PhD कर सकेंगे और नेट एग्जाम दे सकेंगे। नए नियम के अनुसार अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF के साथ या उसके बिना PhD करने के लिए उम्मीदवारों को अपने 4 साल के ग्रेजुएशन में कम से कम 75% नंबर लाने होंगे। अभी तक नेट के लिए उम्मीदवार को कम से कम 55% नंबर के साथ मास्टर्स डिग्री की जरूरत होती थी। आम और लीची के फलों के उचित विकास और आकार को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त फलों को हटा दें। इससे कम फलों को बढ़ने का मौका मिलेगा और फलों के भार से डालियों के टूटने का डर नहीं रहेगा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित करण शिवानी किस्म के बम्पर उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। इस किस्म की औसत उपज 87.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश ने कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस साल पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 24 लाख छात्र कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने आगामी गर्मी के मौसम में ऊपरी सामान्य तापमान की संभावना जताई है। ऐसे में दूसरे चरण के मतदान के लिए गर्मी से बचाव की सलाह जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की उत्कृष्ट लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। CM योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें बधाई दी। किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। राजस्थान सरकार ने चने के भावों में आई गिरावट को देखते हुए कुछ राज्यों में MSP पर अपने निर्धारित लक्ष्य को बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चने व सरसों की खरीद के लिए पंजीयन सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब राज्य के किसान निर्धारित खरीद सीमा से 10% अधिक फसल MSP पर बेचने के लिए पंजीयन करा सकते हैं। इससे किसान को यह लाभ होगा कि अब वे अपनी चना व सरसों की अधिक उपज सरकार को बेचकर MSP का लाभ उठा सकते हैं। किसान अनाज फल व सब्जियों की खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। खास बात यह है कि फलों व सब्जियों की खेती के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को अमरूद की खेती पर 19,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। जो किसान अमरूद की खेती करना चाहते हैं, वे इस योजना में आवेदन करके राज्य सरकार की ओर से दी जा रही इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। किसान इस साल धान के साथ अजोला की खेती करके धान के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। किसान धान के खेतों में अजोला का प्रयोग हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। इससे धान की फसल को नाइट्रोजन सहित अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे और इससे धान की पैदावार और क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि यह खाद बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। इसका प्रयोग करके धान के पौधों का बेहतर विकास होता है और इसके उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अजोला खाद तैयार करने के लिए किसान को चाहिए कि वह 2 से 4 इंच पानी भरे खेत में 10 टन ताज़ा अजोला को धान की रुपाई से पहले ही डाल दे। इसके साथ ही इसके ऊपर 30 से 40 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट का छिड़काव करें। अजोला की बढ़ोतरी के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत अनुकूल रहता है। खास बात यह है कि धान की खेत में अजोला छोटे मोटे खरपतवारों को दबा देता है, जिससे फसल को नुकसान नहीं होता।